और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को उम्मीदवार बनाया है, लाहौर से जोगेश्वर गर्ग को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, टिकट उनको दिया गया है। और इसके अलावा सिरोही से अगर बात की जाए तो ओटाराम देवासी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा भीलवाड़ा से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बता दें कि भीलवाड़ा से बिष्ट शंकर अवस्थी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बूंदी से अशोक डोगरा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान से, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए राजसंद की, तो वहां से दीप्ति महेश्वरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, दीप्ति महेश्वरी पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले पहली सूची जारी हुई थी और इस दूसरी सूची में 10 महिलाओं के नाम भी शामिल है, 10 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। बता दें कि वसुंधरा कैंप के दर्जन भर नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, टिकट मिला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो झालरा पाटन से खुद वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ेंगी, अंबर से सतीश पुनिया मैदान में उतरेंगे। तो ये दो सीट और दो उम्मीदवार बड़े महत्वपूर्ण हैं। पुष्कर से सुरेश सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को टिकट दिया है, ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें अजमेर दक्षिण की, तो यहां से अनित भदेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उन पर भरोसा जताया है। लौर से जोगेश्वर गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर विश्वास जताया है पार्टी ने। सिरोही से ओटाराम देवासी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनको टिकट दिया है। और इसके अलावा भीलवाड़ा से अगर बात की जाए तो बिट्ठ शंकर अवस्थी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, बूंदी से अशोक डोगरा को टिकट दिया है। तो ये तमाम नाम है जो बीजेपी की लिस्ट में है। और कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, उनको टिकट दिया गया है। और अगर बात की जाए राजसंद की, तो यहाँ से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है, बहुत मजबूत उम्मीदवार मानी जाती है बीजेपी की। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की ये दूसरी सूची जारी हो चुकी है। तो बड़ी